गाइज मैंने अभी भी ऐसे सारे लोगों को देखा हुआ है जिनको अभी मतलब जिन्होंने अभी नया नया लैपटॉप लिया है, कोई भी लैपटॉप लिया है, उनको अभी इंटरनेट कनेक्ट करना नहीं आता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में दोस्तों जान लेते हैं कि किस तरीके से आप अपने लैपटॉप को एक इंटरनेट या फिर वाईफाई कनेक्शन से कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं हम यहाँ से सिंपली। तो दोस्तों मेरा नाम है सनी, चैनल का नाम बूटिक 0.1। इस चैनल पर दोस्तों इसी टॉपिक से रिलेटेड लाइक अनबॉक्सिंग, टेक रिव्यू, जो भी हो इन्फॉर्मेशन आपको देना होता है वो सभी दोस्तों उसी से रिलेटेड वीडियो आ जाती है। तो आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए आपको बताता हूँ दोस्तों, कोई भी लैपटॉप का आपका वर्जन हो, चाहे विंडोज 11 हो लेटेस्ट अभी या फिर विंडोज 10, कुछ भी हो दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे जो टास्क बार नीचे के साइड आप देख सकते हैं, ये टास्क बार होता है। इसमें दोस्तों आपको यहाँ पे एक साइड में इधर राइट एंड डाउन साइड में आपको यहाँ पे जहाँ पे बैटरी का परसेंटेज वगैरह होता है, तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है जो कि आपको मैं यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप ग्लोब का आइकन देख सकते हैं, उस पर सिंपली क्लिक करना है, आपके सामने कुछ चीज़ का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको वाईफाई का ऑप्शन मिलता है, तो दोस्तों एरो पे आप क्लिक करते हैं जैसे ही, तो आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाईफाई इज़ ऑफ। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, आपको सिंपली क्लिक करना है, जो भी आपको जिसके भी दोस्तों हॉट स्पॉट से कनेक्ट कराना है उस पर दोस्तों सिंपली क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे दोस्तों जैसा कि मैंने देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कनेक्ट करा हुआ है, तो आप यहाँ से पूरा देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल, जो कि यहाँ पे आ चुका है आपके सामने। यहाँ पे दोस्तों मैंने प्राइवेट नेटवर्क किया हुआ है, यानी कि ये मेरा पर्सनल है, पब्लिक नेटवर्क भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और करना होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी हैं, SSID क्या है, यहाँ पे प्रोटोकॉल क्या है, वाईफाई 5 है। यहाँ पे दोस्तों कनेक्शन स्पीड आप देख सकते हैं कि लिंक स्पीड 390 रीड एंड राइट स्पीड यहाँ पे दोस्तों है। उसके बाद कुछ इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों जो मैं बता रहा था, तो आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि कनेक्ट ऑटोमेटिकली व्हेन इन रेंज, मतलब आपको जो है बार बार कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको वाईफाई दोस्तों ऑन कर देना है। बस ये वाली सेटिंग आपको ऑन करने पर तुरंत क्या होता है, जब भी रेंज में आता है वाईफाई बस ऑन रहना चाहिए, ये तुरंत दोस्तों ऑन हो जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, जैसे अभी मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ फिर दोस्तों ऑन करता हूँ, तो आप देखिएगा अभी विदाउट मतलब मैनुअल नहीं करना पड़ेगा, आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली ये कनेक्ट हो चुका है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि कनेक्टेड स्टेट जो है दिखाता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, अगर पहले से आता था तो कोई बात नहीं, नहीं आता था तो कमेंट सेक्शन में यस ज़रूर लिखिएगा कि आपको नहीं आता था पहले से। दोस्तों लैपटॉप से रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। और भी दोस्तों मैंने वीडियोज़ बनाई हैं तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर चेकआउट करिएगा। Acer Aspire 7 पर दोस्तों मैंने 18 से 19 वीडियो बनाई है। आपको टॉप 16K में अच्छा एक लैपटॉप चाहिए तो भी कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, जो भी स्मार्टफोन वगैरह से रिलेटेड जितने भी आपको इश्यूज वगैरह हो। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।